गाइज, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइज, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हैरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइज, क्या आपको ATM का फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये एनी टाइम मनी मशीन नहीं होता, बल्कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ATM से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का पहला सोलर ATM कहाँ खुला है? वो है नल्लूर, आंध्र प्रदेश में। फैक्ट नंबर 2, इंडिया का पहला तैरता हुआ ATM कहाँ खुला है? और वो है कोची, केरला में। एंड फैक्ट नंबर 3, इंडिया का पहला मिल्क ATM कहाँ खुला है? और वो है आणंद, गुजरात में। गाइज, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया का सबसे नीडर यानी कि सबसे दिलेर जानवर कौन सा है, तो शायद आप लोग शेर का नाम लें, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे नीडर जानवर शेर नहीं है, बल्कि वो है हनी बैजर। जी हाँ गाइज, आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि छोटे से आकार के होने के बावजूद भी हनी बैजर बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों से भिड़ जाता है और तब तक लड़ता है जब तक कि वो सामने वाले को मार ना दे या खुद ना मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। नाम याद रखिएगा, हनी बैजर।